गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। क्लास 10 के बच्चों का स्वागत है ऑनलाइन क्लासरूम में। और आज मैं जो आपके लिए चैप्टर लेके आया हूँ, उस चैप्टर का नाम है मैग्नेटिज्म। ये काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आप ध्यान से सुनिए। आपको इंटरेस्ट होगा सुनने में, कंसेप्ट भी बढ़ेगा आपका। आइए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि किसी कंडक्टर में करंट पास करने के बाद हम उसमें मैग्नेटिक फील्ड बना सकते हैं? ये तो आप लोगों को पता है कि अगर करंट पास कर रहा है कंडक्टर में तो वहां क्या बनेगा, इलेक्ट्रिकल फील्ड बनेगा। लेकिन हैंस क्रिश्चियन और अर्नस्ट ने प्रूव किया कि अगर एक कंडक्टर में हम करंट को पास कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिकल फील्ड तो बनेगा ही, साथ में मैग्नेटिक फील्ड का भी निर्माण होगा। इसका मतलब हम करंट से क्या पैदा कर सकते हैं, मैग्नेटिज्म। और स्टेट साहब ने इस बात को प्रूव कर दिया कि हम करंट से क्या पैदा कर सकते हैं, मैग्नेटिज्म। तो आइए इसके दूसरे ऑप्शन पर विचार करते हैं। माइकल फैराडे ने फिर प्रूव किया कि हम मैग्नेट से करंट पैदा कर सकते हैं। मैग्नेट से द रिलेटिव मोशन बिटवीन द क्वाइल एंड मैग्नेट के बीच में अगर हम सुनिश्चित करें तो हम उस क्वाइल में करंट पैदा कर सकते हैं। देखा भाई, करंट से मैग्नेटिज्म और फिर मैग्नेटिज्म से करंट। और ये एक्सपेरिमेंट करने का श्रेय हमारा जाता है और स्टिट साहब और माइकल फैराडे का। आइए हम लोग विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे, ये मैग्नेट है क्या भाई। तो मैग्नेट दो तरह का है हमारे पास, एक नेचुरल मैग्नेट और एक आर्टिफिशियल मैग्नेट। नेचुरल मैग्नेट जो प्रकृति में पाई जाती है अर्थ क्रस्ट के नीचे, आप देख रहे हो एक ओर के रूप में, उस ओर का नाम है मैग्नेटाइट। उस ओर का क्या नाम है, मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट क्या है सर, आयरन का एक ओर है और ये आयरन के दो ऑक्साइड से मिलकर बना है। एक है फेरस ऑक्साइड और दूसरा क्या है हमारा, फेरिक ऑक्साइड। ये दोनों को मिक्स कर दो तो क्या बन जाएगा, Fe3O4। इसी का नाम है मैग्नेटाइट, या दूसरा नाम बोलते हैं इसको लोड स्टोन। यह नेचुरल मैग्नेट है, यह प्रकृति में पाया जाने वाला मैग्नेट है। इसकी प्रॉपर्टी क्या है सर, अगर ये मैग्नेट सपोज करो ये मैग्नेट का एक टुकड़ा है, ये एक मैग्नेट का टुकड़ा है, इसकी प्रॉपर्टी क्या है, ये मैग्नेटिक सब्सटेंस को अट्रैक्ट करने का काम करता है। तो फिर सवाल पैदा होता है कि ये मैग्नेटिक सब्सटेंस है क्या? नहीं, आप तो जानने का काम करोगे ना कि सर ये मैग्नेटिक सब्सटेंस है क्या। अब ध्यान दो, मैंने तीन जगह बनाया छोटे छोटे कण, पार्टिकल्स। ये पार्टिकल्स क्या है भाई, ये पहले हैं आयरन के पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल्स निकेल के पार्टिकल्स हैं और ये पार्टिकल्स कोबाल्ट के। नहीं, इन सारे पार्टिकल्स को ये मैग्नेट अपनी ओर अट्रैक्ट करने का प्रयास करता है। जैसे ही इसके मैग्नेटिक फील्ड में इस पार्टिकल को हम लाते हैं, ये मैग्नेट क्या करता है, मैग्नेट अपने पार्टिकल्स को, इस पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करने का काम करता है।
और यह किसको अट्रैक्ट करेगा? क्या सारे पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करेगा? नहीं भाई, ये सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक सब्सटेंस को अट्रैक्ट करने का काम करता है। और वो मैग्नेटिक सब्सटेंस कौन है? तो एक आयरन है, दूसरा निकेल है, और तीसरा क्या है? कोबाल्ट। जैसे आप इस सब्सटेंस को एक मैग्नेट के पास लाते हो, ये अट्रैक्ट करने का काम करता है। अब आइए हम मैग्नेट की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में जानना चाहेंगे। यह मैग्नेट की प्रॉपर्टी क्या है भाई? ये मैग्नेट की हम लोग खास प्रॉपर्टीज के बारे में जानने का काम करेंगे, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। ये क्या है भाई इंपॉर्टेंट मैग्नेट प्रॉपर्टीज? नंबर वन, अट्रैक्टिव प्रॉपर्टीज। अभी हमने बताया ना आपको, अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी ये क्या है भाई? तो मैंने कहा एक मैग्नेट का काम है मैग्नेटिक सब्सटेंस को अपनी ओर आकर्षित करना। निकेल, कोबाल्ट, आयरन के पार्टिकल्स अगर इसके पास लाए जाते हैं इसके मैग्नेटिक फील्ड के आसपास, जो उन्हें अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है। देख रहे हो, यही क्या कहलाता है? अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। अब एक मैग्नेट ले लो आप, जरा देखते हैं इसको, मैग्नेट के बनावट को। तो मैग्नेट में ऑलवेज टू पोल्स पाए जाते हैं, बोथ आर अपोजिट इन नेचर। तो ये हो गया हमारा नॉर्थ पोल और ये हमारा हो गया साउथ पोल। ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। आप जानते हो कि सबसे ज्यादा अगर हम बात करें, ये मैग्नेटिक लेंथ हो गया हमारा इफेक्टिव मैग्नेटिक लेंथ, दोनों पोल्स के बीच की दूरी को हम लोग इफेक्टिव मैग्नेटिक लेंथ कहेंगे। तो आपको पता है कि मैग्नेट का सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी कहां पे है? नहीं भाई, कभी मत कहना ये साइड पे, साइड से थोड़ा सा हट के, ये जो पॉइंट देख रहे हो यही पोल सेंट्रलाइज्ड है और यहां पे स्ट्रॉन्गेस्ट अट्रैक्टिव पावर है मैग्नेट का। तो अगर इधर बात करें तो अगर हम इसके सेंटर दो भाग में बांट दें और इधर मूव करें, तो जैसे ही हम इधर मूव करते हैं इसका पावर ऑफ अट्रैक्शन घटता चला जाता है। इधर मूव करें इस साइड से तो घटता चला जाता है और फिर इस जगह पे क्या हो जाता है? पावर जीरो हो जाता है। देखा आपने, इसका मतलब सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पावर कहां होता है मैग्नेट का? पोल्स के पास होता है। और वो पोल कहां होता है? सीधे लास्ट पोर्शन से थोड़ा सा अंदर की ओर। तो ये आपने पहला प्रॉपर्टी देखा, अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ ए मैग्नेट। दूसरा हमारा है डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। ये क्या है भाई डायरेक्टिव प्रॉपर्टी? डायरेक्टिव प्रॉपर्टी, आप एक मैग्नेट को सस्पेंड कर दो एक सूता से, एक धागा से आप एक मैग्नेट को सस्पेंड कर दो, लटका दो, क्या देखते हो? ये मैग्नेट ऑलवेज सिलेक्ट इट्स पोल, ये हमेशा नॉर्थ और साउथ दिशा की ओर अपने आप को इंडिकेट करेगा। इस मैग्नेट के दोनों आर्म, अगर एक आर्म नॉर्थ को इंडिकेट कर रहा है तो दूसरा आर्म किसे इंडिकेट करता है? साउथ को इंडिकेट करने का काम करता है। देख लीजिए, तो ये हो गया डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। और इसी प्रिंसिपल पे हम लोग मैग्नेटिक कंपास को बनाने का काम करते हैं। आपको पता है जो पायलट्स होते हैं समुद्री जहाज पे, दिशा का अगर भ्रम पैदा होता है, उस भ्रम को दूर करने का काम कौन करता है? हमारा मैग्नेटिक कंपास। तो दूसरा तो हमारा हुआ डायरेक्टिव प्रॉपर्टी, और तीसरा हमारा प्रॉपर्टी है लाइक पोल्स
लाइक पोल्स रिपेल और दूसरा अनलाइक पोल, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट। एक काम करते हैं, आप दो मैग्नेट ले लो भाई, दो मैग्नेट ले लो, ये हो गया हमारा नॉर्थ पोल, ये हमारा साउथ पोल, ये भी हमारा हो गया नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, तो क्या देखने को मिलेगा? तो देखते क्या है, दोनों मैग्नेट एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि मैंने क्या कहा अभी कि अनलाइक पोल अट्रैक्ट्स एंड लाइक पोल्स। अगर आप एक काम करो, इसी मैग्नेट को, एक मैग्नेट को तो रहने दो भाई, ये हमारा नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, इस मैग्नेट को आप पलट दो, इसको आप पलट दो, साउथ कर दो, क्या देखने को मिलेगा? देखना ये रिपल्सिव फोर्स काम कर रहा है, एक दूसरे को ठेल रहा है, अलग कर रहा है एक दूसरे को, देखा आपने? चलो भाई एक और करते हैं, हमने दो साउथ को ना रिपल्सिव फोर्स काम किया, जरा दो नॉर्थ को नजदीक ला दो, दो नॉर्थ को ला दो नजदीक, ये नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ और साउथ, तब क्या देखने को मिलता है? यहां भी देखते हैं कि रिपल्सिव फोर्स काम कर रहा है। तो यह बात तो क्लियर हो गई ना कि लाइक पोल्स रिपेल, चाहे वो दोनों नॉर्थ हो या दोनों साउथ पोल हो, अगर नजदीक लाओगे तो कौन सा फोर्स काम करेगा? फोर्स ऑफ रिपल्सन। लेकिन अगर आप पोल्स को अपोजिट में लाते हो तो वहां दोनों मैग्नेट एक दूसरे को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। तो ये हमारा देखा तीसरा प्रॉपर्टी। फिर हमारा चौथा प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी ऑफ इंडक्शन। क्या है भाई? प्रॉपर्टी ऑफ इंडक्शन। ये प्रॉपर्टी ऑफ इंडक्शन क्या है भाई? तो आप मैग्नेटिज्म पैदा कर सकते हो मैग्नेटिक सब्सटेंस में, अगर उसके संपर्क में लाते हो तो उसमें भी मैग्नेटिज्म का गुण पैदा कर सकते हो। ये चौथी प्रॉपर्टी हो गई। आप सॉफ्ट आयरन लाओ ना, हम उसमें मैग्नेटिज्म पैदा कर सकते हैं। सिंगल टच मेथड, डिवाइडेड टच मेथड, इस विधि से हम उस आयरन बार में, सॉफ्ट आयरन बार में मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी को जिंदा कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। और चौथा, पांचवा हमारा क्या है? ब्रेकिंग ए मैग्नेट इनटू स्मॉलर पीसेस सो स्टिल मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। देखिए भाई एक काम करो, आप एक मैग्नेट ले लो, एक मैग्नेट ले लो, आज को ढेर सारे पार्ट्स में तोड़ दो, सपोज करो ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, सही है, इसको दो पार्ट में आपने तोड़ दिया, तो फिर क्या होगा भाई? ये पार्ट, ये नॉर्थ और ये दिस पार्ट बिहेव्स लाइक साउथ, और ये पार्ट का पहले से साउथ तो था ही, और ये पार्ट क्या हो जाएगा? नॉर्थ। देखा आपने? फिर इसका डिवीजन कर दो, फिर आप देखो ये नॉर्थ, ये साउथ, ये साउथ, ये नॉर्थ, फिर इसका डिवीजन करो, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये साउथ और ये नॉर्थ, आपने देखा? आप इसको जितने टुकड़े में बांटना है बांट दो, इसका प्रत्येक पीस, ईच पीस बिहेव्स लाइक ए मैग्नेट, इसका एक एक कण मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। और हमारा छठा पॉइंट है, मैग्नेटिक पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन अपोजिट पेयर। देख लो आप, यहां पे मेरे सामने चार प्रकार के मैग्नेट हैं और सब क्या है? अपोजिट पोल्स के। अगर एक नॉर्थ है तो दूसरा साउथ है, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ, देखो तो ऑल मैग्नेट्स आर हैविंग अपोजिट पोल्स। तो ये पांच प्रॉपर्टी हमने देखा मैग्नेट का। अब आइए हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं। व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड? अरे भाई मैग्नेटिक फील्ड एक स्पेस है जहां पे कोई भी मैग्नेटिक सब्सटेंस एक फोर्स का एक्सपीरियंस करता है।
आप एक मैग्नेट के सामने एक कण को रखो, मैग्नेटिक सब्सटेंस को रखो, दूर में रखते हो, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन जैसे ही उस मैग्नेटिक फील्ड के पास आता है, वो क्या हो जाता है, मैग्नेट की ओर अट्रैक्ट हो जाता है। द स्पेस, मान लो ये मैग्नेट है और ये इसका स्पेस है, स्पेस सराउंडिंग ए मैग्नेट इन विच एनी अदर मैग्नेट एक्सपीरियंसेस ए फोर्स। अरे भाई एनी अदर मैग्नेट, चलो भाई एक अदर मैग्नेट को यहां लाया तो दो कंडीशन हो सकता है, या तो उस पर अट्रैक्टिव फोर्स होगा या रिपल्सिव फोर्स होगा। द स्पेस सराउंडिंग ए मैग्नेट इन विच एनी अदर मैग्नेट एक्सपीरियंसेस ए फोर्स इज डिफाइंड मैग्नेटिक फील्ड। देखा, इसको हम क्या कहेंगे, मैग्नेटिक फील्ड कहेंगे। आइए अब हम लोग पढ़ रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। हम इसकी विशद चर्चा कर रहे हैं मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की। आइए देखते हैं मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या है। हम एक मैग्नेट का पहले निर्माण करते हैं। चलो भाई एक मैग्नेट को हमने बनाया, ये हमारा एक मैग्नेट है, ये हमारा नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया। नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड ऑफ नाइन ओरिजिनेट करेगी, साउथ में एंट्री करेगी। देख लो भाई, और इसके अंदर सब पैरेलल लाइंस हो जाएगी, कोई भी फील्ड की लाइन एक दूसरे को कट नहीं करेगी। ये ओरिजिनेट कहां से कर रही है, ये हमारा क्या है सर, नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। नॉर्थ से ओरिजिनेट करेगी सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और टर्मिनेट कहां करेगी, सारा टर्मिनेट करेगी साउथ पोल पे। देखा आपने, ओरिजिनेशन कहां होगा, नॉर्थ पोल पे, और टर्मिनेशन कहां होगा, साउथ। तो क्या साउथ पोल में जाके समाप्त हो जाती है, अरे नहीं भाई, एक कंटिन्यूअस पाथ है ये मैग्नेट के अंदर सारे पैरेलल लाइंस के रूप में फ्लो करती है। तो आपने देख लिया एक मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन का स्ट्रक्चर। आइए हम लोग पहले प्रॉपर्टी की बात करते हैं। नंबर वन, दे ऑलवेज ओरिजिनेट एट नॉर्थ पोल एंड टर्मिनेट साउथ पोल। देख रहे हो डायग्राम से, देख रहे हो कि नॉर्थ पोल से ओरिजिनेट कर रहा है और साउथ में जाके क्या कर रहा है, टर्मिनेट कर रहा है। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, ए लाइन ऑफ फोर्स इज ए क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस पाथ। देखो तो ये समाप्त नहीं होता है, याद रखिएगा इसको, ये समाप्त नहीं होता है, यहां से ओरिजिनेट किया ये कंटिन्यूअस पाथ है। इट इज ए क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस पाथ। थर्ड पॉइंट, अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड पर किसी कण पे आप इसकी दिशा को प्राप्त करना चाहते हो तो क्या करोगे आप इस पे टेंजेंट खींच दो, और यही टेंजेंट क्या बताती है, इसको दिशा को बताने का काम करती है, इसके मूवमेंट्स की दिशा क्या है। फोर्थ पॉइंट, आप देख रहे हो यहां पे पोल्स पे ये मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन क्राउडेड है, देखो तो भीड़ लगी हुई है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस की भीड़ लगी हुई है पोल्स पे, तो यही तो है लाइंस क्राउडेड नियर पोल्स। इसीलिए हम लोग पोल्स पे क्या करते हैं, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का एक्सपीरियंस करते हैं। लेकिन जैसे ही दूर जाते हैं, आप देख लो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन क्या हुआ है, बिखरा है, स्कैटर्ड है, इसलिए वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन महसूस होता है। द लाइंस ऑफ फोर्स डू नॉट इंटरसेक्ट विथ ईच अदर, याद रखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, कभी भी नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। इतनी सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन ओरिजिनेट कर रही है, लेकिन कभी भी एक मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। और सपोज करो अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर भी दिया तो कितना डायरेक्शन, एट ए पॉइंट कितना डायरेक्शन शो करेगा, दो डायरेक्शन, तो दो डायरेक्शन होता है क्या,
आप तो एक ही डायरेक्शन शो कर रहे हो, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, और इनसाइड ए मैग्नेट लाइंस डायरेक्टेड फ्रॉम सच नॉर्थ पोल सब क्या होते हैं, एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। मैग्नेटिक मैग्नेट के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन होते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। आइए देखते हैं, क्या तुम एक पेपर पे स्केच कर सकते हो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन? हाँ भाई कर सकते हो। चलो मान लो हमारे पास एक पेपर आ गया, तो आप एक काम करो, सबसे पहले एक पेपर पे एक मैग्नेट को रखो। मैग्नेट को रख दिया, अब एक मैग्नेटिक कंपास ले लो। मैग्नेटिक कंपास को इस स्थान पे रखो आप, तो जैसे ही आप मैग्नेटिक कंपास को रखोगे तो दो पॉइंट मिलेगा ना, दोनों पॉइंट को निशान लगा दो। फिर मैग्नेटिक कंपास को रखो, दो निशान लगा दो, हटा दो मैग्नेटिक कंपास को। फिर मैग्नेटिक कंपास को रखो, दो पॉइंट मिलेगा। किसका पॉइंट मिलेगा? मैग्नेटिक कंपास का, नीडल का, उसका नीडल का पॉइंट है ये दोनों। फिर आगे बढ़ो, दो पॉइंट नीडल का मिलेगा, दो पॉइंट मिला, यहां भी मिला। इस तरह से देखो तो आप सारे कंपास मैग्नेटिक कंपास को हटा दो, क्या मिल गया हमको? देखो तो नॉर्थ पोल से ओरिजिनेट किया, साउथ पोल में क्या की, इन कर गई। आपने खींच दिया ना मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन। अरे भाई ड्रॉ कर सकते हो तुम मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस का ड्रॉ कर सकते हो प्लेन पेपर पे। बस आपको क्या चाहिए, एक मैग्नेट चाहिए, एक प्लेन पेपर चाहिए, कार्डबोर्ड चाहिए, और एक मैग्नेटिक कंपास की जरूरत पड़ेगी। आप निकाल सकते हो इसकी दिशा को। आइए हम लोग देखते हैं, दो मैग्नेट ले लिया हमने, दो मैग्नेट ले लिया हमने, एक हमारा नॉर्थ पोल है, दूसरा साउथ पोल है। क्यों भाई एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है? तो देखो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन यहां से ओरिजिनेट करेगी, यहां इन कट जाएगी, यहां से करेगी, यहां इन कट जाएगी, देख रहे हो? इसलिए ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन अगर ये मैग्नेट ले लो आप, तब क्या होगा भाई, ये भी नॉर्थ पोल और ये भी नॉर्थ पोल, अब क्या होगा? यहां से मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन निकलेगा, यहां से भी निकलेगा, यहां से भी निकलेगा। अब देखो तो ये एक दूसरे को रिपेल करेगा ना, ये एक दूसरे को दूर ठेलेगा कि नहीं, क्योंकि टर्मिनेट तो होगा नहीं। ये भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन को बाहर निकाल रहा है, ये भी बाहर निकाल रहा है, तो क्या होगा इस अवस्था में, दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा। देखा आपने? और यहां पे अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन ओरिजिनेट कर रही है तो साउथ में क्या हो रही है, टर्मिनेट कर रही है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं होता। यह तो हम लोग बार मैग्नेट की बात कर रहे थे, लेकिन जरा हॉर्स शू मैग्नेट की बात करो, तो जरा हॉर्स शू मैग्नेट की बात करो। ये भाई हॉर्स शू मैग्नेट है हमारा, देखो तो ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। क्या होगा यहाँ? तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन निकलेगी, ओरिजिनेट करेगी, देखो तो यहां से निकली और साउथ में जाके क्या हो गई, टर्मिनेट कर गई। और यहां भी तो बाहर निकलेगा इस साइड से, यहां भी बाहर निकल रहा है, ओरिजिनेट कर रहा है, और यहां से क्या हो रहा है सर, देख लो, इन कर रहा है, डायरेक्शन देख लो। ये हमारा क्या हो गया, हॉर्सू मैग्नेट हो गया। तो ये आपने देखा मैग्नेट का स्ट्रक्चर से मैग्नेटिक फील्ड लाइन को कैसे बना सकते हैं हम लोग, नॉर्थ साउथ क्यों एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, नॉर्थ नॉर्थ क्यों रिपल्सन करता है, हॉर्सू मैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड लाइन को हम कैसे दिखा सकते हैं, आप देख लिया। एक है इविंस मोलेकुलर थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म, मैं बात कर रहा था कि जितना भी सॉफ्ट आयरन है वो अपने आप में एक मैग्नेट है, तो फिर तुम कहोगे सर वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो क्यों नहीं करता है? अरे भाई शो इसलिए नहीं करता है क्योंकि उसका जो मोलेकुलर मैग्नेट है
वो रैंडम में अरेंज है, वो सिस्टमैटिक अरेंज नहीं है, इसलिए एक दूसरे के पावर को, स्ट्रेंथ को एनल कर देता है, समाप्त कर देता है, और रिजल्टेंट पावर हमारा क्या हो जाता है? जीरो। तुमने कभी सोचा, तुमने कभी सोचा कि बात करते हैं, ये हमारा एक मैग्नेट है, ये क्या है? एक मैग्नेट है और ये एक सॉफ्ट आयरन है। अगर इसमें मैग्नेटिज्म को पैदा करना है तो भाई क्या चमत्कार करेंगे हम? कोई जादू मंत्र है क्या, ये मैग्नेट बन जाएगा? अरे ये भाई, ये पहले से ही एक मैग्नेट है, सिर्फ करना क्या है, इसके मोलेकुलर मैग्नेट को इस तरह से अरेंज कर देना है कि रिजल्टेंट पावर, अट्रैक्शन पावर मैक्सिमम हो जाए। देखो तो क्या करेंगे, एक मैग्नेट का अगर नॉर्थ पोल लिया या साउथ पोल लिया तो आप एक इंड पे सटाओ और रब करो, यहाँ पे सटाओ और फिर इसको रब करते जाओ, इसी तरह से, फिर यहाँ से उठा के लाओ, फिर सटाओ, फिर उठा लो, इस तरह से राउंड करते जाओ। देखो ये मैग्नेट बन गया, क्यों भाई? क्योंकि जैसे ही मैग्नेट के संपर्क में आया, इसका मोलेकुलर मैग्नेट जो है, जो रैंडमली अरेंज था, वो सिस्टमैटिक अरेंज हो गया और इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करने लगी। आइए देखते हैं डायग्राम से। आप एक काम करो, जब मैंने लिया था सॉफ्ट आयरन को तो उसका मैग्नेटिक क्या था, देखो तो जैसे तैसे अरेंज था। इसको बोलते हैं रैंडम अरेंजमेंट। लेकिन जैसे ही एक मैग्नेट के संपर्क में आया, देखो तो इसका मोलेकुलर मैग्नेट जो है, अब यहां क्या बन गया, रिजल्टेंट नॉर्थ और रिजल्टेंट साउथ। इसको क्या बोलेंगे, रीअरेंजमेंट ऑफ मोलेकुलर मैग्नेट्स। जैसे ही मोलेकुलर मैग्नेट्स अरेंज हो गए, ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो करना शुरू कर दिया। और ये किसने बताया हमें, इविंग्स मोलेकुलर थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म। आइए हम बात करते हैं मेथड्स ऑफ डीमैग्नेटाइजेशन। भाई मैग्नेट तो हमारे पास है, लेकिन आपने उसको सही ढंग से प्रॉपर हैंडल नहीं किया तो वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को लूज कर देगा, और जब मैग्नेटिक को प्रॉपर्टी को लूज करेगा, इस टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं डीमैग्नेटाइजेशन। कौन सा टर्म यूज करते हैं, डीमैग्नेटाइजेशन। इसका मतलब जब कोई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लूज कर दे तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, डीमैग्नेटाइजेशन। कैसे करता है भाई, तो पहला क्या है, बाय ड्रॉपिंग। आप ऊंचाई से मैग्नेट को गिरा दो, आप किसी ऊंचाई से मैग्नेट को गिरा दो, ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को लूज कर देगा। दूसरा क्या है, बाय हीटिंग। दूसरा क्या है, आप हीटिंग कर दो। कभी सोचा कि हीटिंग करने से मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लूज क्यों हो जाती है? आपको तो पता है ना, इस मैग्नेट के अंदर मोलेकुलर मैग्नेट सजा हुआ है, अरेंज है, तो जैसे ही आप हीट करते हो इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी ना। अरे भाई, मोलेकुलर मैग्नेट की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो वाइब्रेशन बढ़ जाएगा ना, ये अरेंजमेंट टूट जाएगा, और ये अरेंजमेंट टूट जाएगा तो फिर देखो, देखो कैसा अरेंजमेंट हो गया। इस तरह से ये अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को लूज कर देता है। तो हमने क्या कहा, बाय ड्रॉपिंग भी यही होता है कि आप उसे कण में वाइब्रेशंस पैदा करते हो, उसका अरेंजमेंट बिखर जाता है। और तीसरा, बाय हैमरिंग। बाय हैमरिंग, अगर आप हैमरिंग कर रहे हो तो इस अवस्था में भी क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को लूज कर देगा, कण वाइब्रेट करने शुरू करेंगे हाई स्पीड से। तो
अवॉइड सेल्फ डीमैग्नेटाइजेशन हमें क्या करना पड़ेगा। तो भाई मैग्नेट को आप चाहते हो कि लंबे समय तक सुरक्षित रखें, तो यू हैव टू यूज, उसको बोलते हैं मैग्नेटिक कीपर्स। क्या बोलते हैं उसको? मैग्नेटिक कीपर्स। ये मैग्नेटिक कीपर्स क्या होता है सर? अरे भाई ये आयरन का प्लेट्स होता है। आप देख लो मैग्नेटिक कीपर्स को कैसे लगाते हैं हम लोग। आप सपोज करो ये हमारा मैग्नेट है और ये हमारा मैग्नेट है, दो मैग्नेट। हमने दो मैग्नेट को सुरक्षित रखना है लंबे समय तक, बार मैग्नेट को। अगर ये नॉर्थ पोल हुआ तो ये साउथ पोल है, तो आप इसको क्या रखना है? इसको साउथ रखिए, इधर को क्या रखिए? नॉर्थ पोल। सही है। अब एक प्लेट को लगा दो यहां पे, ये प्लेट लग गया। अगर ये साउथ है तो ये कैसा बिहेव करना शुरू करेगा? अब नॉर्थ। और ये नॉर्थ है तो कैसा बिहेव करना शुरू कर देगा? साउथ। ठीक, इसी तरह भी आप यही करो। देखा आपने, ये अगर नॉर्थ है तो ये साउथ, और ये साउथ है तो नॉर्थ, और ये बीच में भी आप रख लगा दो मेटल प्लेट। इस तरह से अगर आप इस बॉक्स में एक डाल के इस मैग्नेट, दो बार मैग्नेट को रख देते हो, तो ये मैग्नेट लंबे समय तक अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को सस्टेन रख सकता है। देखना, देखा आपने डी मैग्नेटाइजेशन को कैसे अवॉइड किया जा सकता है? बाय यूजिंग मैग्नेटिक कीपर्स। तो बच्चों नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे कि कंडक्टर में अगर हम करंट को पास करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, सर्कुलर क्वाइल में क्या होगा, सोलेनोइड में क्या होगा। तो आप हमारा चैनल से जुड़े रहिए और मैग्नेट के सारे कंसेप्ट को पूरी जानकारी प्राप्त करिए, और जो भी मिसकंसेप्ट है उसको दूर करने का प्रयास करिए। थैंक यू।